हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में ना आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अपकमिंग जो संडे है ना वहाँ पे मैं संडे राइड करने वाला हूँ। लास्ट संडे भी मैंने राइड किया था, लेकिन उसमें ना मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बंदा बहुत ही ज्यादा कम था। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि संडे राइड करेंगे, लेकिन टाइम पे ना कोई भी नहीं आता है। कोई भी बंदा अगर इंटरेस्टेड है और जिसके पास मतलब लीगली ड्राइविंग लाइसेंस RC वगैरह सब कुछ है, तो वो सब बंदा अपना हेलमेट को उठा के जूता पहन के संडे मॉर्निंग को पहुंच जाना। और कहाँ पे पहुंचना है मुझे इंस्टाग्राम में DM करना, वहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वहाँ पे जाना है। और उसके बाद ना मम्मी को भी अपने मौसी के घर में छोड़ना है, तो जिसके वजह से अभी मैं फिलहाल बाहर जाने वाला हूँ। देख सकते हो वहाँ पे मेरा शेर और शेनी वहाँ पे खड़ा हुआ है। और फिलहाल ना मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी को भी साथ में लेके जाना है, और बाइक में ना मम्मी उठ नहीं सकता, बहुत ज्यादा ही ऊंचा है। It doesn't get better than this. Only a fool to let you go. You got into my head. तो गाइस, मम्मी को मैंने मौसी के घर में ड्रॉप कर दिया, और बारिश की वजह से यहाँ पे पानी देख सकते हो यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे ड्रेन नहीं है। बहुत ही बुरा हालत है। बाइक लेके नहीं आया, अच्छा ही किया, बाइक लेके आते तो ख़राब हो जाता पूरा, गाड़ी भी गंदा हो जाता है। यह तो कुछ भी नहीं था भाई, सामने और एक है, वो तो बहुत ही बड़ा है, नदी जैसा दिखता है। मैं तो कंफ्यूज था कि वहाँ से निकल भी पाऊँगा या नहीं। फिर लोकल लोगों को पूछा, बोला कि हाँ जा सकते हो, तो उसके बाद ही मैं फुल कॉन्फिडेंस में आया। देखो यहाँ पे भयंकर है। ओ ओ ओ, ओ, ओ। लद्दाख जाने का ज़रूरत ही नहीं है, लोकल लद्दाख में पहुँच गया। यह गंदा पानी में पैर घुस गया। छी छी छी, बाइक ना आप कितना भी चला लो, लेकिन स्कूटी का जो फन है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि इसमें गियर वगैरह क्लच कुछ भी नहीं होता है ना, तो इसमें ज़्यादा मज़ा है। पिकअप वगैरह फर्स्ट क्लास मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा चला के। स्पेशली ये एंटॉर्क और डीओ, ये जो दो स्कूटी है ना, ये नेक्स्ट लेवल का स्कूटी है। वैसे तो एप्रिलिया है, उसके बाद यामाहा का एक 155 cc R15 इंजन वाला एक आया है, एरोक्स, हाँ वो भी मस्त है, लेकिन उसका CC जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उतना CC का स्कूटी लेके आई डोंट थिंक सो कोई सेंस बनता है, उससे अच्छा आप एक अच्छा सा बाइक ले सकते हो। अगर आपको पावर ही चाहिए तो बाइक में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी सबका चॉइस प्रिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो बाइक में जाओ, माइलेज मत देखो। और अगर आपको जेन्युइनली पावर विथ माइलेज सब कुछ बैलेंस चाहिए ना, देन स्कूटी इज़ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 390 cc के बाद 110 cc चला के मुझे वैसा मतलब कोई भी डिफरेंस अभी फील नहीं हो रहा है। इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है ना बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, थ्रोटल देते ही अच्छा खासा भाग लेता है। 60 तक तो कोई बात ही नहीं है, यूं ही भाग जाता है 60 तक। तो गाइस, टाउन का ब्लॉग कितना ही बनाऊं, टाउन सिटी दिखाते दिखाते ना मैं खुद बोर हो गया, तो इसलिए सोचा कि आज अपना गांव दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बाइक निकल के लेके आ गया, और उसके साथ मेरा स्कूटी भी मैं लेके आया क्योंकि उन लोगों के पास स्कूटी बाइक कुछ भी नहीं है, तो ये वाला मैं दे दिया। ये गाँव में ना बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे पतला पतला रोड है, एक नंबर दो नंबर की, बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं, और ये मुर्गी वगैरह भी आता है। सामने हमारा ना कुछ सब्सक्राइबर लोग है, हमेशा बोलता है कि जाने के लिए मीटअप करने के लिए, तो मैं आज सोचा कि चलो जाके थोड़ा बहुत मीटअप वगैरह कर लेते हैं। तो ये है अपन का गांव, शांति का माहौल है, लेकिन रास्ते में यस लोकेशन मस्त है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो दो दो टावर, और यहाँ पे एक पेड़ भी है, देखने में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। यही है अपना गांव, देखो यहाँ पे पानी भी आ चुका है, चारों तरफ हरियाली, पानी सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे देखो छोटा छोटा डक का बच्चा, ये क्या है भाई, रास्ते में गाय या गाय में रास्ता, गाय के नीचे से रास्ता जा रहा है, यहाँ पे रास्ते के ऊपर गाय नहीं है। घर में पानी उठ गया ना, तो इसीलिए रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है ये लोग।
रुको रुको, पहले घुमाने तो दो गाइस। यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सा लोकेशन था, तो मैं सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उस तरफ देख सकते हो बारिश आ गया है, मिनटों में बारिश आ रहा है आजकल। और ये सब है हमारा गांव का सब्सक्राइबर लोग। कैसे हो भाई लोग? अरे आवाज़ क्यों नहीं है, खाना नहीं खाया क्या? फिर कभी मिलेंगे, ठीक है? आज तो बारिश आ गया, देखो जल्दी से भागना पड़ेगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग भी आने वाले हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। तो गाइस बारिश आने वाला है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बारिश। जब आया था ना तब बारिश तो दूर की बात, तब धूप था, और अभी देखो मौसम कैसे बदल रहा है, भयानक बारिश आ रहा है। अरे उस तरफ तो बारिश आ भी गया यार, भगाओ भगाओ। सिर्फ बारिश नहीं मतलब तूफान है, मुर्गी का बच्चा। बारिश आ गया, शायद रुकना पड़ेगा कहीं पे। इसको देखो, और एक बार बोलो क्या बोला था? नाव लेके जा रहा है भाई, देखो चल रहा है ये। वो देखो भाई, नाव लेके जा रहा है बारिश में। जिंदगी तो, असली जिंदगी तो ये एंजॉय कर रहा है। इस धूप में निकला था हम लोग घूमने के लिए, लेकिन फिर भी बारिश आया। खुदा का वो देख सकते हो ना करिश्मा, खुदा का करिश्मा ये है कि हम लोगों को घूमने नहीं देगा। कहीं पे भी जाऊंगा ना ऊपर से पानी गिराएगा। ये साफ सुथरा गाड़ी बाहर लेके गया था, लेकिन पूरा गंदा करके लेके आया। यहाँ पे वहाँ पे सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है। तो गाइस फिलहाल जो मेरा सब्सक्राइबर काउंट है ना वो है 4.2K, और जल्दी ना 5K होने वाला है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो बहुत ही जल्दी 5K तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो, ताकि सब लोग मिलकर सब्सक्राइब करें और मिक्स टीवर का जो फैमिली है ना वो 5K तक जो बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। और गाइस इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है ना यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करो, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। टिल दैट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।